दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं Xiaomi की Redmi Note सीरीज के एक अपकमिंग इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है दोस्तों Redmi Note 12 Pro। एक्चुअल में दोस्तों ये Note 11 Pro 5G स्मार्टफोन का सक्सेसर होगा और इस फोन में आपको काफ़ी यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस फोन का जो डिजाइन है वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहने वाला है और इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे जो कि अभी तक किसी भी डिवाइस में पूरे वर्ल्ड में देखने को नहीं मिले हैं। तो गाइस एक्चुअल में ये काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन होने वाला है। इस फोन के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या प्राइस इस फोन की रहने वाली है और ये कब तक लॉन्च हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट बेस पर बताने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहिए। बट गाइस यार आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो गाइस इसमें आपको बैक और फ्रंट दोनों तरफ ग्लास यूज किया जाएगा और ये कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन के साथ आने वाला है। बैक साइड मैट फिनिश के साथ आने वाला है। साथ ही साथ रियर में ही आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, साथ में LED फ्लैश होगी और रेडमी 5G की ब्रांडिंग दी जाएगी। एल्युमिनियम का फ्रेम होगा और ये फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आने वाला है। मतलब दोस्तों इसमें आपको अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों इस फोन का जो डिजाइन है वो एकदम फ्लैट रहने वाला है, बॉक्सी टाइप का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों डिस्प्ले के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि फुल व्यू होने वाला है और ये 144 हर्ट्ज के हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। और अब की बार इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट होगा और ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली है। दोस्तों अब बात करता हूँ मैं इस फोन के सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फीचर की, जो कि है कैमरा। दोस्तों इस फोन में आपको रियर साइड में 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया जाएगा। जी हाँ 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस होने वाला है। एक्चुअल में दोस्तों अकॉर्डिंग टू लीक्स ये कैमरा आपको नोट 11 सीरीज में मिलने वाला था, बट वहाँ पर तो नहीं ऑफर किया गया है। बट इस फोन में आपको डेफिनेटली 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। साथ ही साथ एक अल्ट्रा वाइड होगा और आपको माइक्रो लेंस भी दिया जाएगा। इससे आप लोग 8K वीडियो शूट भी कर पाओगे। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल की अंडर डिस्प्ले सेल्फी होने वाली है। दोस्तों इसके परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का चिपसेट ऑफर किया जा सकता है, जो कि है स्नैपड्रैगन 888। ये ओनली 5nm चिपसेट है और 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। इससे आपका जो बैटरी बैकअप है वो ज़्यादा चलने वाला है और ये चिपसेट दोस्तों फ्लेक्सिबल है। मतलब दोस्तों यहाँ से आप लोग एकदम हाईफाई फ्लेक्सिबल गेमिंग एक्सपीरियंस कर पाओगे, गेमिंग एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों इस फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 होगा, जो कि MIUI 13 के साथ आएगा। यहाँ पर LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी होने वाला है। दोस्तों अगर मैं बैटरी की बात करूं तो इस फोन में अराउंड 5000 mAh की बैटरी होगी, जो कि 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। जी हाँ 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा और बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एडिशनल फीचर्स की बात करूँ तो टाइप सी पोर्ट होगा, 3.5mm का जैक नहीं होने वाला है, फेस अनलॉक, आईआर ब्लास्टर और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो गाइस इस फोन की जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेड अराउंड 25,000 होगी, लगभग 25,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। लॉन्च की बात करूं तो ये Q4 में आपको मिलेगा 2022 में, मतलब दोस्तों इस साल के एंड तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा। तो गाइस ये थे इस फोन के एक्सपेक्टेड फीचर्स एंड प्राइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।